आज हम बात करेंगे हाइप्नोटिज्म के मौजू पर कि हाइप्नोटिज्म के ज़रिए लोग किस तरह वारदातें डाल रहे हैं और हाइप्नोटिज्म से बचाव का तरीका कार क्या है। आपको सुनाते हैं, कुछ अर्सा कबल कराची में एक मशहूर वारदात हुई है जिसमें साहब कहते हैं कि वो अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए बाहर निकले कि उन्हें कुछ अफराद मिले जिन्होंने कहा कि हम आपके पास आए हैं कोई दम फूके के लिए, पानी पड़वाने के लिए, फलां मसला हो गया इनका। तो वो जो चार पांच अफराद थे उसके साथ हो लिए और इसके बाद वो साहब कहते हैं कि मुझे कोई ख़बर नहीं कि उन्होंने किस तरह मेरा जहन काबू किया कि घर में मौजूद रकम जो के लाखों रुपए थे मैंने आकर उन्हें दे दिए। इन साहब को कुछ देर बाद होश आया तो पता चला कि वो तो लुट चुके हैं। इससे मिलता जुलता एक और वाक्या भी है जो कराची से ही तलक वाला है। एक खातून की तरफ से थाने में इंदराज हुआ। खातून कहती हैं कि एक बिल्डिंग में वो गई तो वहाँ पर कोई शख्स था जिसने उसकी आंखों में देखा। इसके बाद वो कहती हैं कि उन्हें कुछ ख़बर नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन जब होश आया तो पता चला कि उनके साथ तो जिनसी ज़्यादती हो चुकी है। और ये पर्चा जब थाने में हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची तो वो जो हाइप्नोटिज्म का माहिर था उसे पुलिस को देखते ही खिड़की के ज़रिए फरार होने में कामयाब हो गया। इस तरह की कई चीज़ें हैं, वक्त के साथ साथ चोर डाकुओं के तरीके वारदात भी बदल चुके हैं और कई लोग तो हाइप्नोटिज्म सीखकर इसके ज़रिए वारदातें कर रहे हैं। हमारे जाने वाले एक चोर साहब हैं, चोर नदीम रज़ा साहब, वो बताते हैं कि एक बार उनके कोई दोस्त मुल्तान की तरफ गए, मुल्तान जाना था उनको। जब वो बिहाड़ी चौक पहुँचे, गाड़ी में थे, फ्रंट सीट पे भी ड्राइवर और उसके साथ एक बैठे थे दोस्त और पीछे भी दो दोस्त बैठे हुए थे। बिहाड़ी चौक पर अब रुके हैं तो एक साइड से एक मलंग दरवेश आता है। उसने आते ही, उसकी आंखें बहुत सुर्ख किस्म की थीं, आते ही ड्राइवर को कहा निकाल बेटा पैसे दे। अब उसने देखा कि भिखारी शख्स है, ड्राइवर ने देखा, उसने पर्स निकाला कि इसको कुछ पैसे दिया जाए। तो भिखारी ने कहा कि मुझे मुकम्मल पर्स ही दे दो बेटा। अब उसकी आंखें कुछ इस तरह की खौफनाक थी कि ड्राइवर ने बाद में बताया कि उसका पूरा जिस्म ही सुन्न हो गया। और इससे पहले कि वो भिखारी इनसे पर्स लेकर फरार हो जाता कि पीछे जो सीट पर बैठे हुए दोस्त थे उन्होंने उस भिखारी को धुतकारा और सख्त अल्फाज में डांटा और भिखारी की त्वचा बट गई। उसने पीछे देखा तो इसी जो सामने फ्रंट सीट पर ड्राइवर थे बैठे थे वो यानी टहरा से निकल आया और उनका काफ़ी बचाव हो गया। ये तरीका कार होता है अपना टैज के जो माहिर होते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता और वो अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा बैठता है। इस तरह के वाक़यात आए दिन अखबारात और टीवी के ज़रिए लोगों को पता चलता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों से बचा किस तरह जाए, क्योंकि हाइप्नोटिज्म एक ख़तरनाक इलम है और जो इसके माहिर होते हैं वो चाहें तो इंसान को हाइप्नोटिज्म के ज़रिए ख़ुदकशी पर भी मजबूर कर सकते हैं। और जो कुछ
करवाना चाहें करवा सकते हैं। इंसान को उस वक्त एहसास तक भी नहीं होता कि वो क्या हरकत कर रहा है। मेरी आंखों के सामने भी अपने चश्मे की कई वाक़यात मैंने देखे हैं कि तजर्बात वगैरह देखे हैं, जिसमें अगर जो मामूल होता है उसको अगर खुदकशी का भी कहा जाए ना तो वो खुदकशी भी कर लेता है, उसको एहसास तक नहीं होता। हिप्नोटिज्म के ज़रिए खुदकश बम्बार तैयार किए जा रहे हैं और लोगों के ज़हन तस्खीर करके के माल और दौलत पेश की जा रही है, हत्ता कि इस तक भी महफूज नहीं है। ज़ार रूस का वाक़या तो किताबों में दर्ज है, तारीख के वाक़यात में, कि किस तरह रास्पुटिन जो हिप्नोटिज्म का माहिर था उसने सारे रूस के दिलो दिमाग पर किस तरह कब्ज़ा किया और उसके महल में भी पहुंच गया और उसके महल में जो ख़वातीन थी वो भी सारे रूस के जुल्म और सितम से और जिनसी तशद्दुद से ना बच सकी। आखिरकार जब रूस का तबाह होने लगा माशी तौर पे, तो रास्पुटिन को गोली मार दी गई। कहते रास्पुटिन की कुव्वत इरादे का ये आलम था कि उसको 6 गोलियां मारी गई लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा होता। आखिरकार 7वीं गोली ने उसका खात्मा कर दिया। अगर आप भी लाइफ में देखते हैं कि आपको कोई हिप्नोटिज्म का माहिर नज़र आता है, अगर वो आपकी आंखों में देखने की कोशिश करता है तो कोशिश करें कि इधर उधर देखें, उसकी आंखों में मत देखें, क्योंकि आंखों के ज़रिए वो लोग असर डालते हैं और सामने शख्स होता है ना कमज़ोर कुव्वत इरादी वाला, वो फौरन अपना चाइज हो जाता है। इसकी एक मिसाल आजकल अगर आप देखना चाहें तो सैफी पीर देख सकते हैं, जो अपनी महफलों में लोगों को हिप्नोटाइज करके उल्टी सीधी हरकतें करने पर मजबूर कर देते हैं और लोग समझते हैं कि शायद को वजह तारी हो गया है, लेकिन वो होता है हिप्नोटिज्म ही है। लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो किस तरह हिप्नोटाइज हो चुके हैं और सामने वाले की बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। और छोटे शहरों में तो खैर इस तरह के वाक़यात कम हैं, लेकिन बड़े शहरों में इसके ज़रिए कई वारदातें भी हो रही हैं और बड़े बड़े ज़िम्मेदार और साहिब हैसियत लोग इन हिप्नोटिज्म के माहिर जो माहरीन होते हैं इनका निशाना होते हैं, ख़ास निशाना ख़ास, वो ऐसे लोगों के ज़हन पर कब्ज़ा करके इनके माल और दौलत पर याशी करते हैं। आम इंसान को तो पता ही नहीं होता कि हिप्नोटिज्म कितनी पावरफुल चीज़ है और इसके ज़रिए क्या हो सकता है। हिप्नोटिज्म के जो माहिर होता है ना उसकी तो दुश्मनी बहुत जानलेवा साबित होती है, इंसान को पता तक भी नहीं चलता वो किस तरह क्या हरकत कर रहा है और ख़ुद अपने लिए तबाही का किस तरह बायस बन रहा है। मैंने पहले भी कहा खुदकश बम्बार भी हिप्नोटिज्म के ज़रिए तैयार किए जाते हैं, बार बार उनके ज़हन में नक्श की जाती है बात कि फ़लाँ शख्स इस्लाम के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ शख्स मुल्क और कौम के लिए नुकसानदह है और इसका ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है। अमूमन हिप्नोटिज्म के ज़रिए जो कम उम्र होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको तैयार किया जाता है, क्योंकि बच्चे छोटी उम्र के होते हैं, उनका दिमाग कच्चा होता है, जो चीज़ उनके दिमाग में भर दी जाए वो उसे कबूल कर लेते हैं, जबकि बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उन पर असर डालने के लिए ना बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है। आप बाज़ार में देखें, मार्केट में देखें, आपको नज़र आएगा, अगर आप देखना चाहें जो अपने चीज़ के आम माहरीन होते हैं वो हर शहर में उन क्लिनिक बना रखे, वो आम किस्म के होते हैं, वो आपको कहते हैं आपको अपना चाइज करना है और राज़ी करते हैं, एक कोच पे लिटा देते हैं या आरामदा कुर्सी पे और आपको अपना चाइज करते हैं,
जो अपना चॉइस का ख्वाहिशमंद होता है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है, लेकिन जो बड़े अपना चॉइस अपना चीज़ों के माहिर होते हैं वो इस तरह के कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ आँखों में देखते हैं और सामने वाला शख्स का जिसम पूरा ही सुन्न हो जाता है, उसको एहसास तक नहीं होता कि क्या हो रहा है, वो ख्वाब की सी कैफियत महसूस करता है। कई हिप्नोटिज्म के माहिर जो होते हैं वो तो बातों बातों में सामने वाले शख्स को हिप्नोटाइज कर लेते हैं और सामने वाले शख्स को एहसास तक भी नहीं होता कि उस पर हिप्नोटिज्म का असर हो गया है। और जब वो शख्स वहाँ से निकलता है हिप्नोटिज्म और घंटा दो घंटे बाद या पाँच घंटे बाद उसको एहसास होता है। चले एक और वाक्य भी आपको सुना देते हैं, एक दोस्त के यानी पोस्ट देखिए, वो बता रहे हैं कि उनके वाले साहब फौज से रिटायर हुए और पेंशन मिली रकम वगैरह, और एक दिन वो बाज़ार में शॉपिंग करने गया, घर का सामान सौदा सब ख़रीदने गया, तो उनकी जेब में तकरीबन कार्ड भी थे, कैश कार्ड और कोई लाख डेढ़ रुपये नकद रकम भी थी। उनके वालिद साहब बताते हैं कि बाज़ार में ही थे कि अचानक दो मोटरसाइकिल सवार उनके सामने रुके हैं, उन्होंने उसकी आंखों में देखा है और इसके बाद उन्हें कोई होश नहीं रहा। होश उस वक्त आया जब वो घर पहुंच गए, और घर वाले भी कहते हैं कि घंटा तो घंटा वो ऐसे बैठे रहे गुमसुम। जब होश आया तो पता चला कि जेबें बिल्कुल खाली हो चुकी हैं, जेब से कार्ड भी निकल चुके हैं, पैसे रकम वगैरह भी निकल चुकी है। यानी इतना देर पा और ज़बरदस्त किस्म का हिप्नोटिज्म का असर कि इंसान को एहसास तक नहीं होता। यही चीज़ें एडवर्टाइजिंग के ज़रिए की जाती हैं, बार बार एक चीज़ को एडवर्टाइज़ किया जाता है कि सामने वाला हिप्नोटाइज़ हो जाता है। अब आप मुख्तलिफ मशहूरी वगैरह देख लें, मशहूरियाँ होती हैं, टीवी पे कमर्शल आते हैं, इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती लेकिन ना चाहते हुए भी वो चीज़ ख़रीद लेता है। इसकी वजह क्या है, सिर्फ क्या है, ये सारा कमर्शल एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हिप्नोटाइज़ किया जाता है लोगों को। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लें कोल्ड ड्रिंक की, जिसकी हर आधे घंटे बाद मशहूरी आती है, आखिर यार इनको क्या ज़रूरत है मशहूरी देने की। सिर्फ वजह एक ही है कि लोगों के जहन को अपने कंट्रोल में किया जाए, उनकी तवज्जो इन्हें बटाने दी जाए, उनके जहन पैसा कब्ज़ा किया जाएगा, उनके जहन में कोई और चॉइस ना आए। यही तरीका है हिप्नोटिज्म का, बार बार तकरार करना। हिप्नोटिज्म से बचाव के लिए एक मज़बूत कुव्वत इरादे चाहिए, लेकिन अगर हिप्नोटिज्म का माहिर टेलीपैथी का भी माहिर हुआ तो फिर उसे बचना नामुमकिन सी बात है। इसके साथ ही आज का टॉपिक क्लोज़ करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।